ਕੁਲੱਥ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪਾਸਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਡਡੁਆਣਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਦੀ ਚਲਦੀ ਬੰਦਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਠੱਕਰਪੂਰਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਚਰਚ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਲਕਾ ਕੁਲੱਥ ਵਿਖੇ ਦੀ ਕੁਲੱਥ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪਾਸਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੈਵਿਡ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਨੈਨਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ ਫੜ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। इस मौके मसीही भाईचारे के वक् वक् आगुआ समेत मलकीत खलील स्टीफन कारा ने दसिया कि पिंड डडुआणा अमृतसर विखे कुछ फिरकू शरारती अंसरां वल्लों चलदी प्रार्थना सभा विच नंगियां तलवारां टांगा बरछे अते होर हथियार लैके लोकां दी कुटमार कीती गई। डराया धमकाया गया अते हथियारां दी नोक ते बंदगी नूं जबरदस्ती रोकिया गया जो कि भारतीय संविधान द्वारा दित्ती गई धार्मिक आजादी की घोर उलंघना कीती गई है। जबकि ये घटनावां इत्थे ही बस नहीं रुकदियां सगो कुछ शरारती नकाबपोश अंसरां वल्लों पिंड ठकरपुरा तरन तारण दे कैथोलिक दर्द की भी भन्नतोड़ की गई अते चर्च की गड्डी नूं अग लगा दित्ती गई जिस कारण समुचे विश्व विच मसीही समाज दे हिरदे वलुधर गए हैं। कन्नू कुलथ दी रिपोर्ट। इना जिहड़े अमन शांति नूं भंग करदे आ उहनां दे खिलाफ कड़ी कार्रवाई करिए ते मसीह भाईचारे दे विच जिहड़ा रोस वा उहनूं शांत करिए। अज दा जिहड़ा हैगा मंग पत्र दित्ते जा रहे जां किस तरां मंग पत्र दित्ता जा रहा जी जो सिंह साहब नाल मीटिंग होई सी कि पिछले दिन ही बिशप जी दे नाल उहदे बारे की बोलना चाहुंगे कि उस मीटिंग दा भरोसा जां सिरता की देखो ओ जिहड़ा हैगा वा साडे पास्टर जी हैगे आ क्योंकि वो जिहड़ा वा मसला वो साढ़े धार्मिक आगुआं दा वा उन्हां दा उत्थे की होया कि वो लोकां दे विच जिहड़ा उत्थों ही आया वा या चाहिदा तो यह सी कि साढ़े जिहड़े मेरी मंग वा है कि जिहड़े साढ़े अकाल तख्त दे जथेदार सरदार हरप्रीत सिंह जी जिहड़ा अज उन्होंने सारे साढ़े सारे धर्मां दे लोकां नूं सर्वधर्म सम्मेलन जां मीटिंग बुलाई आ तो वो बयान देण तों सों पहलों बुलाउंदे तो बहुत वधिया हुंदा उन्होंने पहलों तो अपना बयान देता उन्होंने बयान बाद च देना चाहिए सगा क्योंकि जे किसी नूं कोई ईसाई धर्म के प्रचार ते कितू परंतु है पहली गल वो बैठ के मसला हल हो सकता सी। दूसरी गल प्रशासन आ साडा साडी सरकार वा किसी भी डिप्टी कमिश्नर नूं वो मंग पत्र दिंदे भी इस चीज़ पर सानू इतराज़ आ वो साढ़े चर्च के संबंधित आगू साहबान उत्थे बुला के हल हो सकता सी ये थोड़ी भी आप हथियार लैके उत्थे चर्च के विच जाके अमन शांति भंग करे साड़ी मंग आ कि कड़ी सख्त कार्रवाई उन्होंने खिलाफ़ होनी चाहिए है तो उन्होंने तुरंत अरैसट करना चाहिए। अज का जो प्रदर्शन है ये इस करके रखा गया पंजाब बहुत सारा स्ट्रेस जिहड़ा इस करके रखा गया पंजाब बहुत सारे धर्मों के नाल वड्डी गिनती दे विच ईसाई भाईचारा भी रहिंदा है। पिछले दिन पिंड डडुआणा जो अमृतसर जिले दे विच है उत्थे एक बंदगी जिदा कुछ निहंग सिंघां ने खंडित किया बहुत ज़्यादा बेअदबी की गई लोगों नूं मारिया कुटिया भी गया। इस कड़ी के तहत ठक्करपुरा पिंड पट्टी जिथे चर्च के जेडे उत्थे प्रभु यीशु मसीह का स्टैचू तो माता मरियम का स्टैचू पिया सी उहदी भी बहुत ज़्यादा बेअदबी की गई। उत्थे फादर साहब की गड्डी जो प्रचारक हैं चर्च के उन्हां दी गड्डी नूं भी अग ला दित्ती गई। सो इस दे विरोध में असी सारा प्रदर्शन जिहड़ा पंजाब भर के विरोध जिहड़ा कर रहे हैं। असी नहीं चाहते भी देश की शांति दे विच कोई खलर पवे जां भाईचारियां दे नाल भाईचारे लड़न असी शांति का ही प्रचार करते हैं तो शांति दे नाल ही रहिंदे हैं। असी भी चाहते हैं आने वाले समय के शांति ही देश दे विच बहाल रहे पर कुछ शरारती लोग जिन्हां नूं देश की शांति तो जां तो कोई
नफरत है या लोगों भाईचारे लड़ा के कोई अपना राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं वो यहोजा काम करके धार्मिक भावनावान ठेस पहुँचाते हैं। इस दे विरोध में असी पंजाब भर के प्रदर्शन किए हैं। फैसला होने तक यह काम चलता रहेगा। साड़ी प्रशासन तो मंग यह है कि उन्हां दोषियों नूं जल्दी जल्दी फड़ के अंदर रखा जाए ता कि आने वाले समय के किसी भी धार्मिक भावनावान को ठेस ना पहुँचा सकन ते हर तरह के नाल शांति जी है बहार रहे। यही साडा मंत्र हजे तक सिंह साहब ने जो मीटिंग की गई है वो एक चर्च जिहड़ा उहदे नुमाइंदियां ने की सानू तो वह हायर किए लगते हैं ओरिजिनल नहीं हैं। साड़ी अज कुछ नुमाइंदियां दी जिहड़े मेन लाइन मिशनरी हैं उन्हां दी अज मीटिंग जिहड़ी आ सिंह साहब नाल चलनी है। अज वो जो अगे तो सानू आर्डर करनगे उहनूं असीं फॉलो करांगे। है शरारती अंश ना ये कुछ ना कुछ तत्थ जिहड़े आ राजनीतिक तत्थ भी है जो असीं समझते हैं। अगे बहुत सालों तो भाईचारे इत्थे रहिंदे हन एक दूजे नाल मिल के रहिंदे हन। ईसाई भाईचारा तो सिख भाईचारे दे विच अज तक ये कोई दरेड़ नहीं पई। कुछ राजनीतिक पार्टियां भी ये फायदा लैण की कोशिश करदियां ताकि ये दोनों भाईचारे एक दूजे नाल मिल के ना चल सकन।